हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनफिल्टर्ड ब्री। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। जस्ट इन केस पे आस्किंग मी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो इस गाने पे मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, वो सॉन्ग है किंग एंड कर्मा का गॉड शिट। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं क्या इस गाने में। एंड आई हैव रेड दैट जो किंग का नया एल्बम आने वाला है MM, उसका सॉन्ग नहीं है ये, बट ये मूड सेटिंग सॉन्ग है। तो लेट्स सी क्या है। बिफोर दैट आपको पता है दैट आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करने के लिए आपको लास्ट तक देखना, तो प्लीज और सब्सक्राइब बटन प्लीज प्रेस करो गाइस, प्लीज, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। सो हियर वी गो, किंग एंड कर्मा। म्यूजिक प्रोड्यूस किया उका टोन है। दैट क्राउन, बीट सही है ना? चले मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार बड़े चले। ओके, सो हियर वी हैव द फुल फॉर्म ऑफ MM, दैट इज मोनोपोली मूव्स। एंड फर्स्ट थिंग आई वुड से, काफी लंबा इंट्रो था, मतलब काफी देर के बाद स्टार्ट हुआ है गाना, आफ्टर 27-28 सेकंड्स। एंड उसके बाद में जो, मतलब जितना लेट स्टार्ट हुआ उतनी स्पीड में किंग ने स्टार्ट कर रहा है, तो नाइस यार, आफ्टर वेरी लॉन्ग किंग को देख रही हो इस तरीके से गाते हुए, नाइस। काफी तेज कार चले मेरा कारोबार चले, काफी ज्यादा भीड़ लगी, बंदे सारे बाहर खड़े, सबको बुखार चढ़े, मार्केट के कान खड़े, मोनोपोली मूव्स और फीचर में स्टार बड़े, चेहरे पर स्कार पड़े, फोन पर तैयार खड़े, मेरे लिए अंदर है वो तभी राजा बाहर खड़े, कोई ना लगाम लगे, रुकने पर जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके पर दो नंबर काम लगे। ये सही था, कोई ना लगाम लगे तभी राजा बाहर खड़े, दिखने में सब यार दो नंबर काम बड़े, नाइस। ऐसे ही था ना, राजा बाहर खड़े, कोई ना लगाम लगे, रुकने पे जाम लगे, व्हाइट कॉलर सबके दो नंबर काम लगे। ये लाइनें अब नहीं फ्री की, ये जानना चाहते कहां से सीखी, तरकीबें नहीं पारे पकड़ मेरा, ब्लूप्रिंट मैंने बनाया 3D, दे कांट अफोर्ड, दे वोंट बिलीव मी। ब्लूप्रिंट बनाया मैंने 3D, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन ब्लूप्रिंट तो शायद मैनेजमेंट कंपनी है जो किंग को मैनेज करती है। दे वोंट बिलीव मी, आई एम अ जीनियस, आई एम अ जीनियस, आई एम डांस फ्रीकी, कॉल मी सी द दुबई से करे इंतजार हो रहा जो हबीबी, वो कॉल पे करी थी जिस तरीके से किंग रैप कर रहे ना, लाइक काफी लोग कह रहे थे किंग रैप नहीं कर रहा है, गाने गा रहा है, गाने गा रहा है, तो दिस शोस दैट उसने रैप छोड़ा थोड़ी है, या बंदे को रैप आती नहीं है, बट हाँ ठीक है, ही नोज मार्केट में कैसे रहना है और क्या चीजें कब देनी है, ही नोज दैट वेरी वेल। सो या आई एम लाइकिंग इट, मतलब मुझे अभी तक तो ये पसंद आ रहा है, आगे देखते हैं। रैप करेगा सतीम से, मैं तो करता हूँ म्यूजिक, मैं लिखता हूँ प्रो शीट, मैं बनता नहीं वहाँ जहाँ यू सिट, लाइफस्टाइल एक्सक्लूसिव, बनी जो मिसाइल ले लो, चेहरे पे स्माइल ले लो, हल्की किसी जाए लगे हिटर और फिनाइल ले लो, भाई आजा रोल कर रहा हूँ मैं, तू बूम कर ले। ओहो, रोल करके कर्मा को दिया है, बूम कर लियो यार। ये मेरे को ये लोगो या जो साइन है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ किस चीज का है, तो प्लीज अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस चीज का है। जब वो ब्राउन बॉय चके उसे कैडबरी ब्रांड लगे, ओ भाई कर्मा एंड कर्मा के जो वर्ड ले हैं ना, डैम, काफी सारी चीजें कर्मा ने बता दी, फैमिलियों के जाम लग रहे हैं, देन बादशाह बैड बॉय, मतलब एक तो है जिस तरीके से स्विच करा फ्लो दिया किंग ने कर्मा को, ठीक है वो यूनिक था, अब वो मुझे पसंद आया, एंड उसके बाद में कर्मा, वाओ। मेरे पल्ले नहीं पड़ा भाई, बट जो भी था, जो भी करा है कर्मा ने, बढ़िया था, अच्छा था, अच्छा था, मतलब जिस तरीके से वर्ड्स के साथ में उन्होंने
खेला है मैं, आई वुड से, तो मुझे पसंद आया। आपको कैसा लगा है? ऑब्वियसली आप सब देख चुके हो, मैं लेट हो चुकी हूँ, तो आई बिलीव आपको भी अच्छा लगा ही होगा, बट कमेंट करके जरूर बताना गाइस। कौन थी ये किंग वाली जो बाउंसी थी? अगर आप लोगों को पता है तो बता दो, मुझे तो नहीं पता चल रहा अभी तक, कर्मा ने बताया। वाली प्राण थी बालकनी पे करे वो गैग वो ना सांस लेती भाइयों के साथ रिवर्स के 50 पीटी पैसा लगा हाथ पर हाथ की ना खाज मिटी खाज मिटी पैसा लगा 50 पर हाथ की ना खाज मिटी। सही है यार, पैसा कितना भी आ जाए वो जो पैसे की खाज होती है ना वो नहीं मिटती। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में जब कुछ नहीं होती है या खाज होती है, चिंग होती है, तो दैट मीन्स आपको पैसे मिलने वाले हैं। बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन से हाथ में, राइट या लेफ्ट, तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि वो किस चीज के लिए है। कमिंग टू दिस, ये तो अलग ही है। के जरिए आप भी पी ले, बताइए ने आगे की ब्रो। आइए देख सेशन सेवन। ओके, उन्होंने रोल करके दिया, कर्मा ने फिर चला के दिया। अभी तो सेशन ये बंदे हो गए शिक्षक शुक मेरे बार्स करे टिक टैक टो होड़ा मेरा ऑटोमेटिक गड़ा हिट दैट टॉप मोनोपोली मूव मोनोपोली फ्लो सोच एक दिन सोचो फक दिस ब्रेक 2 महीने में डाल दूं मैं 6-7 ड्रॉप और गलती से कर दूं ये हाइट तेरी चॉप एंड को सीट इट सीट इन फक ऑफ फक सीट मेरे घर जैसे मॉल देहरादून वाली सर्दी में सेक्स का माहौल लौंडे खाली बिल्ली घर बैठे चौधरे में कॉल पोकेमोन जैसी बंदी है क्योंकि मरी का सॉल पोकेमोन जैसी बंदी है क्योंकि ऊपर ही का सॉल। मतलब ठीक है भाई, ठीक है, बट इस तरीके से डिस्क्राइब करना था बंदियों को किंग। यार पोकेमोन भी क्यूट होता है तो बंदियां भी क्यूट होती हैं, बट आई डोंट नो आपके क्यों ऐसे कहा कि पोकेमोन जैसी बंदियां भी घूम रही है कसौल। एंड रही बात, आई एम लाइकिंग इट, जिस तरीके से एक दूसरे को फ्लो स्विच कर रहे हैं और दे रहे हैं तो वो बढ़िया है। एंड यार देखते हैं आगे और क्या है। बनियों की घूम रही कसौल पोकेमोन जैसी ये तेरी स्ट्रिंग इन बॉल्स पे कचू केला चू रखूं गेम कंट्रोल में ऐश में मिला तू केलो पेस्ट कंट्रोल लाइक दिल्ली वाली मेरी खारी पेटा बॉम्बे वाली करे टॉर्क कती होगा सीखा फ्लेक्स इतना के बंदी में से भला हटा दो बंदी बिना एपक करेगी चकती था सम ट्रिक्स सम चीखा सम स्वीट हार्ट सोच भी नहीं सकता तू थिंक्स दैट शी डस कब जाए फ्लो दो ड्रिंक्स बार ट्रैक सूट करे खींचे लाइंस एट डीडास। एक तो है भाई, मतलब जब तक किंग अपने गानों में बंदियों को डिस्क्राइब नहीं करते मुझे ऐसा लगता है कि उनका गाना कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होता है, चाहे वो गाना बंदी के लिए होता है, बंदी को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, जो भी है। आई फील ऑलमोस्ट हर गाने में किंग के हर गाने में बंदी को डिस्क्राइब जरूर करते हैं वो, तो दैट्स नाइस। मतलब मैं कहूंगी वो कंसिस्टेंसी रखा है उन्होंने अभी तक। कोई बोला नहीं मैं तो अभी कुछ भाई, तो जो बीट चेंज करी है ना, मतलब अभी तक का फ्लो देखो और अभी देखो। यू काटो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। आपने जो म्यूजिक प्रोड्यूस करा है ना भाई, बहुत ही सही करा है, बहुत। जो बीट आपने चेंज करा, आई नो दैट आई एम नो वन टू टेल यू दिस, बट बहुत सही किया, आई हैव लाइक्ड इट। वो लाइन नहीं मैंने लिखी, बस 2 लाइन नहीं अभी बसता तो खोल लाइन नहीं कसर रैप चबर रोल लाइन नहीं ना बातें करो गोल आएगी मेरे बैट पे ही बॉल आएगी पूरा स्टेडियम पैक कोई दो राय नहीं देखूंगा नहीं घुटने जब मौत आएगी। ओह वाओ, ये तो है, किंग ने अभी तक किसी को जवाब दिया ही नहीं है। किंग विल बी बैक विद एन आंसर, अब वो किसके लिए है दैट किंग नोस। ओके, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना ये लोगो क्या है। कमिंग टू दिस सॉन्ग, सो मुझे ये मूड सेटिंग सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आया है किंग का। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई नो दैट बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर गए, आपको ये समझ में नहीं आया, तो ठीक है भाई, जरूर नहीं कि हर गाना मुझे समझ में आए, कुछ गाने मैं एंजॉय भी कर सकती हूँ राइट, और समझाने के लिए आप लोग तो हो। सो या कमेंट सेक्शन ओपन है तो आप कमेंट करके बताओ। रेस्ट मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर करो कि इस वीडियो को देखना नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @unfiltered प्लीज। मैं मिलती हूँ आपको तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सी यू।